Now, look at the question number 7, 3 by 4 from 1 by 3. So, how will you solve? These are the subtraction sum. जब भी बच्चे हमारे पास फ्रॉम होता है तो हमें ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सेकंड नंबर माइनस. सो यू हैव टू राइट 1 बाय 3 माइनस दिस इज 3 बाय 4, दैट मीन्स सेकंड माइनस फर्स्ट. हेयर इज, नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम. ओके, 4 एंड 3 ये दोनों अपने अपने टेबल्स पर ही जाएंगे, देन सिंपली यू मल्टीप्लाई दिस 3 4 12. नाउ 1 into 4, जब भी ऐसे कंडीशंस आती है दो नंबर अपने टेबल्स पर जाते हैं, देन सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई करके कंसीडर कर सकते हो. 1 into 4 माइनस 3 into 3, सो 1 4 4 माइनस 3 3 9, दैट इज 12. सो प्लस माइनस माइनस 9 minus 4, दैट इज 5. साइन विल बी माइनस, सो द आंसर इज -5/12. सो दिस इज योर आंसर. बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस. हियर इज अ बी पार्ट, -8/9 फ्रॉम -3/5. सो विल यू राइट -3/5 माइनस, हियर इज -8/9. सो यू हैव टू राइट -8/9 -3/5 माइनस माइनस, दैट इज अ +8/9. नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम 5 and 9, दैट इज एलसीएम ऑफ 5 and 9 विच इज इक्वल्स टू 45. नाउ यू हैव टू राइट हियर 45 इन द ब्रैकेट. यू हैव टू राइट 45 divided by 5, that is equals to 9. So -3 multiplied by 9 plus 45 divided by 9, that is a 5. 8 multiplied by 5, 3 9 is 27 plus 8 5 is 40 divided by 45. Now you have to 40 minus 27, which is equals to 30/45. This is the answer. Now here is the C part, -9/7 from -1. This is -1 minus, what is this? -9/7. In the bracket you will write -9/7. That is -1 minus minus, that is a +9/7. In the denominator there is nothing, that means you have to write 1. Now LCM of 1 and 7, which is equals to 7. So here is a 7. 7 divided by 1, that is equals to 7. Minus 1 multiply by 7 plus 7 divided by 7, that is equals to 1. There is 9 multiplied by 1. -1 into 7, that is a -7 plus 9 ones are 9, there is a 7. Plus minus, that is a minus. 9 minus 7 2 by 7. So this is the answer. I think so, it's clear.